दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन कुमार, आप सभी का चहिता, शायद चहिता, क्योंकि बहुत से लोग ने मुझे कहा है कि आप बहुत अच्छे वीडियोस देते हो। तो दोस्तों, आप सभी का दोस्त ही हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं जो जानता हूँ वही सब आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियोस में जो भी आपको चाहिए वो सब आप पूछ सकते हो और आपके जवाब मैं देता हूँ। दोस्तों, बहुत सी रोचक बातें ऐसी होती है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ और बहुत से लोगों को चाहते भी है कि वो जानना भी चाहते। दोस्तों, ये बात कुछ 1969 की है, जब शम्मी कपूर जी की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज़ हुई थी। वो शक्ति सामंत जी ने बनाई थी और वो फिल्म रिलीज़ हो के सिर्फ 3 दिन ही चली थी, लग के 3 दिन हुए थे और उसके बाद थिएटर ओनर्स लोगों ने वो स्ट्राइक कर दिया और स्ट्राइक 3 हफ्ते तक चलेगा। तो दोस्तों, शक्ति सामंत तो प्रॉब्लम में आ गए क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत बड़ी फिल्म थी, शम्मी कपूर जी थे, शर्मिला टैगोर जी थी, बड़ी फिल्म थी, उस वक्त की बड़ी फिल्म थी। अगर ये फिल्म नहीं चली या तो फिर बंद हो गई तो वो बहुत बड़े घाटे में आ सकते थे। तो दोस्तों, 3 हफ्ते तक तो फिल्म नहीं चलना बहुत बुरी बात है और वो उसके बाद एक बार जो उसकी जो भी छाप हो जाती या तो फिर ऐसे हो जाता है कि ये फिल्म फ्लॉप है तो फिर बड़ी मुश्किल से वो फिल्म आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, तो शक्ति सामंत बहुत मुश्किल में थे, तो उनके पास वो सोच रहे थे कि फाइनेंशियल लॉसेस में आ जाऊँगा। वो सचमुच में फाइनेंशियल लॉसेस में आ गए। उसी की कहानी मैं बताऊँगा कि उसके बाद क्या हुआ जो हमें एक सुपरस्टार भी मिले। कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी दोहराई जाती है, कभी कभी अपने आप ही हो जाती है और वो अगर हम चाहें कि ये नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हो जाती है तो उससे कुछ फ़ायदा भी हो जाता है और कुछ दूसरा ही निकल के आता है। तो ये तो हम कहना चाहेंगे कि भगवान ने कुछ और ही सोचा होगा तो ही कुछ ये हुआ। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी है, आज की कहानी बहुत रोचक है, पूरी वीडियोज़ देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों, आज का वीडियो, दोस्तों ये तो आप जान ही गए होंगे कि ये फिल्म 3 दिन लगी थी, सिर्फ 3 दिन चली थी, मतलब शुरू ही हुआ था और 3 दिन के बाद थिएटर ओनर्स लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी और 3 हफ्ते के लिए स्ट्राइक थी। तो शक्ति सामंत जी ने तो बहुत मुश्किल से ये कर लिया कि ये फिल्म तो अभी, मतलब इसका जो हो रहा है वो निकल जाएगा और पब्लिक देखेगी नहीं। शम्मी कपूर जी उस टाइम पे बहुत ही फेमस थे और उनकी हर फिल्मों में होते थे शम्मी कपूर जी। तो शम्मी कपूर जी ने भी सोचा कि ये तो कुछ बुरी बात होगी। तो उसके बाद शक्ति सामंत जी ने क्या कहा, शक्ति सामंत जी ने सोचा कि चलो ये फिल्म तो लॉस में शायद जा सकती है, तो उसके लिए मैं कुछ छोटे बजट की कुछ छोटी सी फिल्म बना लूँ तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने सोचा कुछ, उन्होंने, उनके पास एक कहानी आई, वो कहानी उन्होंने, उनको अच्छी लगी तो वो सोचे कि ये कहानी मैं बना दूँ। तो दोस्तों, शर्मिला टैगोर जी के लिए बात भी हुई, शर्मिला जी को ये कहानी सुनाई गई। शर्मिला जी एक उस टाइम पे बहुत ही मॉडर्न हीरोइन के रूप में थी क्योंकि बिकिनीज में उन्होंने जो फ़ोटोज़ दिए थे तो बहुत ही फेमस हो गई थी। उस वक्त का ये ज़माना था 69 में, बिकिनीज और ये स्विम सूट में ज़्यादा हीरोइनें आती नहीं थी और वो उनका कुछ और अलग ही था। तो शर्मिला जी तो सिर्फ 25 साल की थी। तो ये फिल्म जो कहानी थी उसमें ये होता है कि जो एक माँ की कहानी रहती है और वो माँ की कहानी ऐसी है कि वही माँ अपने बेटे को कैसे बड़ा बनाती है, वो सब बात थी। लेकिन शर्मिला जी चाहती नहीं थी कि मैं 25 साल की उम्र में अपनी जो हीरोइन की इमेज है वो छोड़ के मैं माँ की इमेज में आ जाऊं और ये मैं कर नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने तो मना कर दिया शक्ति सामंत जी को, लेकिन शक्ति सामंत जी ने बहुत मनाने के बाद वो कुछ काम करने तैयार हो गई। लेकिन अब हीरो किसे लिया जाए, तो दोस्तों ये बात हो गई तो उसे किसे हीरो लिया जाए, तो हीरो की खोज शुरू हुई। बहुत से लोग ने ढूँढा, बहुत से लोगों ने ये कहा, लेकिन इसी बीच एक दूसरी बात भी हो गई। ये दूसरी बात ये हो गई कि सुरेंद्र कपूर जी जो फेमस में, उनकी भी ऑफिस थी फेमस महालक्ष्मी में, यहाँ की शक्ति सामंत की ऑफिस थी, तो सुरेंद्र कपूर जी ने एक फिल्म बनाई थी एक श्रीमान एक श्रीमती, जिसमें शशि कपूर थे और वो फिल्म देखने के लिए उनको बुलाया गया, शक्ति सामंत जी को बुलाया गया। शक्ति सामंत ने जब वो फिल्म देखी तो वो चक्के से रह गए क्योंकि वो फिल्म की कहानी और उनकी कहानी एक जैसी सिमिलर कहानी थी। वो तो भौचक्के से रह गए कि अब ये क्या किया जाए। और वो थिएटर में से वो जब उतर के नीचे बाहर आए और वहाँ टहलने लगे और सोचने लगे इसका क्या किया जाए, क्योंकि कहानी फिल्म भी बनानी ज़रूरी थी, छोटी फिल्म भी थी, क्योंकि अगर 3 हफ्ते तक ये फिल्म नहीं चली
उनकी जो फिल्म लगी थी वो 3 हफ्ते तक नहीं चलेगी तो बहुत लॉस में आ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ असमंजस में थे और वहाँ पे नीचे लॉन में घूमते थे, तो तब मधुकर काले जी आए थे और उनके साथ गुलशन नंदा जी भी थे, गुलशन नंदा जी। और उन्होंने देखा कि ये कुछ शक्ति सामंता जी कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ चिंता में है, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने शक्ति सामंता जी ने बताया कि देखो ये कहानी है और ये प्रॉब्लम है कि ये कहानी दो हमारे जो भी राइटर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, हमारे जो राइटर है उन्होंने दो जन को दी और ये तो एक फिल्म बन भी गई है और ये मैं बनाने जा रहा हूँ तो मुश्किल में हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी भी कहानी है, अगर आप चाहो तो उस पर बनाइए, या तो फिर आपके पास जो कहानी है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो उन्होंने अपनी कहानी भी दे दी उनको गुलशन नंदा जी ने, और ये भी कहा कि ये जो आपकी कहानी है उसमें हम थोड़े से चेंज करते हैं। उन्होंने सीक्वेंसेस थोड़े चेंज कर दिए और जो माँ का रोल था वो शर्मिला जी के लिए बनाया गया, शर्मिला जी मान भी गई। और ये भी उस वक्त की बहुत बड़ी बात थी कि शर्मिला जी जो हीरोइन थी एक 25 साल की थी और ये बूढ़ी माँ का रोल कैसे करेंगी, लेकिन उन्होंने बना लिया उनको और ये काम शुरू होने वाला था। लेकिन जब गुलशन नंदा जी ने कुछ ये बात कही कि इसमें जो आपका हीरो है उसी को उसका बेटा बना दीजिए, तो ये भी सोचने में लग गए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो बोला हाँ, वो तो हाफ इंटरवल तक ही था उनका कैरेक्टर, राजेश खन्ना के लिए सोच रहे थे क्योंकि राजेश खन्ना की 3 फिल्में आई थी आखिरी खत और दो और फिल्में आई थी, आखिरी खत आई थी, इत्तेफाक आई थी और एक कोई फिर दूसरी फिल्म थी, 3 फिल्में थी जिसका नाम मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो दोस्तों ये 3 फिल्में आई थी तो, लेकिन वो फ्लॉप स्टार में थे, तो किसी ने कहा कि उन्हें ले लीजिए वो काम करेंगे। तो ठीक है, कन मन से या तो मन न होने के बाद भी उन्होंने सोचा कि चलो ये फिल्म बनाते हैं। उसके बाद फिल्म बनाना शुरू हुआ, राजेश खन्ना जी ने काम किया और शर्मिला जी भी काम कर रही थी। शर्मिला जी उस वक्त की टॉप की बंगाली हीरोइन थी और हिंदी की भी बहुत बड़ी फेमस हीरोइन थी क्योंकि वो शमी कपूर जी के साथ काम कर रही थी और बहुत ही ऊंचा नाम था उनका। तो राजेश खन्ना जी तो चाहते थे कि अगर उनके साथ मैं काम करूं तो मैं भी कुछ बन जाऊंगा, मैं भी थोड़ा लाइमलाइट में आ जाऊंगा। ये फिल्म हुई, शुरू हुई और वो दूसरा जो पार्ट था, दूसरा कैरेक्टर जो था उसमें भी राजेश खन्ना को ही उनका बेटा बताया गया, राजेश खन्ना का बेटा। पहले हाफ पार्ट में भी राजेश खन्ना थे और दूसरे पार्ट में भी राजेश खन्ना उनका बेटा बन के आ गया। ये फिल्म पब्लिक को इतनी पसंद आ गई कि सुपरहिट हो गई ये फिल्म और झंडे गाड़ दिए और हमको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी मिल गया। लेकिन दोस्तों इसके बीच की एक बात कहूँ तो शक्ति सामंता जी चाहते ही नहीं थे कि ये फिल्म बने, लेकिन वो जो बीच का जो वक्त था, 3 हफ्ते का वक्त था, उसमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए था। तो दोस्तों ये कुछ कहानी है। दोस्तों जो राइटर थे वो सचिन भौमिक जी थे, सचिन भौमिक ने दोनों को कहानी दी थी जिसमें एक श्रीमान एक श्रीमती फिल्म जो सुरेंद्र कपूर जी ने बना ली थी, अनिल कपूर जी के फादर, उन्होंने फिल्म बना ली थी और ये वही कहानी इनको दे दी थी शक्ति सामंता को। तो कुछ चेंजेस करने के बाद ये फिल्म बहुत ही हिट हो गई। इसके लिए उनको भी पहले थोड़ा, शक्ति सामंत जी को भी थोड़ा प्रॉब्लम था ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, इसके लिए उन्होंने दिल्ली में पहले रिलीज़ कर दी थी, दिल्ली में सुपर डुपर हिट हो गई, उसके बाद मुंबई में भी सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन दोस्तों ये जो नहीं बनाने की बात थी और जो बनाना नहीं चाहते थे वो फिल्म बन गई और ऐसे सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई और उससे 2 फ़ायदे हुए, हम लोगों को भी फ़ायदा मिला क्योंकि एक सुपरस्टार हमें मिला इस फिल्म से और सुपरस्टार भी राजेश खन्ना जी। उसके बाद 17 साल तक कंटिन्यूस सुपरस्टार बने रहे, फिल्में देते रहे और हम एक बहुत अच्छे सुपरस्टार को देख पाए। दोस्तों यही कुछ कहानी थी, आपको कैसी लगी ये बताइएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बाजू का लाल बटन है वो भी दबा दीजिएगा। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशन में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।